विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल सक्रिय हैं, वहीं दावेदार भी मैदान में दौड़ रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं हर एक विधानसभा की कुछ ऐतिहासिक जानकारी आप तक लेके आए, उनका पुराना परिदृश्य आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज कुंभलगढ़ विधानसभा के ऐतिहासिक परिदृश्य को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि कुंभलगढ़ जो विधानसभा है, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के दो दिग्गज बड़े हुए हैं। मुख्य रूप से कांग्रेस में अगर दिग्गज को देखें तो हीरालाल देवपुरा जो थे वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा भी कई अलग अलग विभागों के वो मंत्री रहे। इसके अलावा भाजपा में अगर बात करें तो भाजपा में मौजूदा जो विधायक है सुरेंद्र सिंह राठौड़, वो एक बार सिंचाई राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य दावेदार या प्रत्याशी जो विधायक रहे हैं, वो विधायक का कार्यकाल या तो कम रहा या विधायक ही रहे वो। आइए देखिए किस तरह का कुंभलगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक परिदृश्य है। कुंभलगढ़ विधानसभा से विजय हासिल करने के बाद यहां के विधायक प्रदेश में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री पदों तक रहे। यहां पर अब तक 8 बार कांग्रेस का विधायक बना, इनमें सर्वाधिक 6 बार केलवाड़ा निवासी पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा विधायक रहे। मनोहर सिंह और गणेश सिंह परमार कांग्रेस पार्टी से एक एक बार विधायक रहे। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो देवपुरा के बाद करीब 4 बार भाजपा से सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक पद पर रहे हैं। इसके साथ ही एक बार जनता पार्टी से गोविंद सिंह सक्तावत, एक बार स्वतंत्र पार्टी से गोविंद सिंह विधायक रह चुके हैं। अब तक इस विधानसभा में कांग्रेस से केवल कुंभलगढ़ तहसील से ही प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका मिला। वहीं आमेट में अभी तक किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला, जबकि भाजपा में कुंभलगढ़ तहसील से किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। वहीं 1977 में विधायक बनने के वाले जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद सिंह भी भिंडर के रहने वाले थे। वहीं 1957 में कांग्रेस के मनोहर लाल भी नाथद्वारा से थे। वहीं जनसंघ से 1952 में विजय सिंह पहले विधायक थे। इसके साथ ही 1962 में गोविंद सिंह स्वतंत्र पार्टी से यहां के विधायक रहे थे। इस तरह यहां पर लगातार यहां पर भी बाहरी विधायकों का ये बोलबाला रहा, ये चर्चा है क्षेत्र में। 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के साथ डीग में बड़ी घटना घटने के कारण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था। तभी हीरालाल देवपुरा को 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। कुंभलगढ़ 1993 से पहले कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, जिसमें केलवाड़ा तहसील क्षेत्र पूरी तरह से कांग्रेस का गढ़ थी। वहीं उस जमाने में आमेट में कांग्रेस हर बार हारती थी। कुंभलगढ़ विधानसभा से हीरालाल देवपुरा एक बार मुख्यमंत्री रहने के अलावा कई प्रमुख मंत्रियों के पद पर भी रह चुके हैं, जिनमें चिकित्सा, विद्युत और श्रम के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, शिक्षा विभाग के मंत्री रहे और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष भी वे रहे थे। 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ वसुंधरा राजे के कार्यकाल में सिंचाई राज्य मंत्री के पद पर काम कर चुके हैं। तो आपने देखा कुंभलगढ़ विधानसभा का यह ऐतिहासिक परिदृश्य हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और इसी तरह अन्य विधानसभाओं के ऐतिहासिक तथ्य भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।